इवनिंग एवरीवन, एज आप लोग ने थंबनेल देखा होगा तो मैं आज बनाने वाला हूँ कौन चाइनीज चाट, ठीक है। उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे वो आप लोगों को मैं क्विकली बताता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, चलो आ जाते हैं। तो अब जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा सा पत्ता गोभी लिया हुआ है, थोड़ा सा हम लोग ने कैरेट लिया हुआ है, थोड़ा सा हम लोग ने अनियन लिया हुआ है, 4-5 ग्रीन चिलीज लिया हुआ है, शिमला मिर्ची लिया हुआ है, थोड़े से बीन्स लिए हुए हैं, ठीक है। ये हम लोग की वेजिटेबल्स रहे जो चाइनीज में एज यूजुअल पड़ता है। और हम लोग को मेन इंपॉर्टेंट, हम लोग को कॉर्न लेना है, कॉर्न कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता दूँ। कॉर्न को क्या करना है, पहले जो नॉर्मल कॉर्न्स आते हैं जो नरम वाले, वो कॉर्न को हल्का हल्का निकालना है, एंड आफ्टर डैट इसको हम लोग को पानी में बॉयल करना है। पानी में बॉयल ऐसे करना कि एकदम गल जाए, फिर आप लोग फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो या उसके डायरेक्टली बात कर सकते हो, लेकिन थोड़े टाइम फ्रिज में स्टोर करना, बिकॉज ऑफ क्या होता है जब हम लोग उबाल के रखते हैं तो उसका जो थोड़ा बहुत वाटर ना इनसाइड होता है, तो वो हम लोग इसका पेस्ट बनाएंगे, बिकॉज हम लोग चिल्ली पनीर की तरह ही इसको हम लोग को डीप फ्राई करना पड़ता है ऑयल में, ओके। तो इसका डीप फ्राई कैसे करना है वो प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विकली, ओके कम। सो उसके लिए हम लोगों को कॉर्नफ्लोर चाहिए, एज यूजुअल चाइनीज फूड के लिए कॉर्नफ्लोर चाहिए होता है, तो मैं भी यूज़ करूँगा। इसमें कॉर्नफ्लोर जो होगा 3 टीस्पून, 1, 2, 3, ध्यान से देखिएगा। और इसमें मैदा भी लेना है हम लोगों को, तो मैदा मैं सिर्फ 1 टी स्पून लूँगा, ओके, थोड़ा सा और ले लेता हूँ। इसमें हम लोग मेन इम्पॉर्टेंट नमक ऐड करेंगे, नमक आराम से ऐड करना, क्योंकि हम लोग चाइनीज़ में बाद में भी नमक ऐड कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा कड़वा इतना पसंद नहीं है, तो ब्लैक पेपर मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। अभी ये सिर्फ सिंपली ऐसा मिक्स करना है, हल्का सा वाटर डाल के फिर हम लोग इसको सिंपली क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। तो मिलते हैं फ्राई करने के बाद। आप लोग जैसे कि देख रहे हो हल्का हल्का मैं पानी ऐड कर रहा हूँ इसमें, जिसने कि ये और क्रिस्पी रहे, तो मैं जब छानने लगूंगा फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। देख लीजिए, इससे ज़्यादा ही कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड कर देना, जिससे आप लोगों का एकदम कॉर्नफ्लोर जैसा टेस्ट नहीं आना चाहिए, ओके। हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसको फ्राई करना। तो हम लोग देख रहे होंगे हम लोग सिंपली सिर्फ मिक्स किए। अभी देखो ये एक ट्रिक है जो हर होटल वाला ये करता है, इसके ऊपर रखोगे तो आप लोग का कोई चीज़ ज़्यादा ये नहीं होगा। अभी सिंपली मुझे क्या करना है, देख रहे होगे आप लोग, तो मैं फ्राई करूँगा, फ्राई करके निकालूंगा, ओके। फ्राई करने के बाद मैं आप लोग को मिलता हूँ, ओके। आप लोग जैसे कि देख रहे होगे ये अच्छे से फ्राई हो रहा है, थोड़ा और फ्राई करने के बाद इसको मैं निकालूंगा और आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। दोस्तों ये फ्राई हो चुका है, हम लोग को इतने फ्राई करना है, एकदम क्रिस्पी है, तो मैं सिंपली धीरे धीरे करके निकाल के एक पैन में स्टोर करूँ। अच्छे से आपको छानना है, ज़्यादा इसमें ऑयल ना लगा रहे, तो निकाल लेता हूँ फटाफट। तो मैं इसको छान चुका हूँ और यहाँ पे रख रहा हूँ स्लोली स्लोली, ओके। ऐसे हम लोग को आराम से निकालना है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल भी तेल नहीं रहना चाहिए। स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि पूरा एकदम तेल ऐसा सोख लेगा, बट ऐसा नहीं, अगर आपको कॉर्नफ्लोर लगाओगे बिल्कुल भी तेल ऐसे डायरेक्टली ये नहीं करेगा। कढ़ाई में आप लोग तेल देखा ही था आप लोगों ने मुझे कितना डाला था, अभी भी कढ़ाई में तेल है। एक मिनट टू से कि जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, वैसे आप लोग को इसको छान के निकाल लेना है, ठीक है, बंद करो। हेलो एवरीवन, सो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग ने फ्राइड कर लिया हमारा कॉर्न, जैसे कि मैंने बताया था, हम लोग अपने मसाले रेडी हो गए, हमने अपना थोड़ा सा सॉसेज भी ले लिया है, और थोड़ा मैं बता देता हूँ कौन से सॉस रिक्वायर्ड है। बेसिकली ये चाइनीज डिश है, तो चाइनीज जितने सॉस होते हैं वो सारे हम लोग को रिक्वायर्ड होंगे, लाइक ग्रीन चिलीज, डार्क सोया सॉस, टमाटो सॉस, थोड़ा सा विनीगर और रेड चिली सॉस, ओके। सो हम लोग मेकिंग करेंगे, फटाफट गैस ऑन, हमारा फ्राई पैन होने जा रहा है अच्छा सा बजना है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली थोड़ा सा हीट होने देंगे, पहले हम लोग हाई फ्लेम पे ही बनाना है, उसे कोई प्लान भी नहीं बनाना है, हाई फ्लेम। आफ्टर हीट होने के बाद हम लोगों को इसमें ऑयल ऐड करना है, जैसे कि मेरा तेल तो थोड़ा और गर्म ही है, तेल ऐसे डालना है हम लोगों को,
जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फ्लेम लो कर दिया हुआ है। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा जिंजर और थोड़ा सा गार्लिक लिया। आप लोग देख रहे होंगे ऐसे पटाखे दार आवाज आ रही है। सिमिलर मैंने हम लोग को स्लोली स्लोली जाना है सब चीज़ के साथ, ज़्यादा लेट करेंगे तो जल जाएगा और हम लोग को जलाना कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ऐसा स्मेल आ रहा है, फ्लेम हाई। वेजिटेबल्स को हम लोग को ऐसे ही बनाना है, सॉटे कर लेना है, ठीक है। इसका जो फ्लेमिंग का जो स्मेल है ना बहुत अच्छा है। अगर इसी मैनर में आप लोग करोगे, अगर अदरक आप लोग लेट डालोगे तो वो स्मेल आएगा नहीं। जो चाइनीज का फ्लेम आता है ना, अगर अदरक आप बाद में डालोगे तो सब्जी जैसा स्मेल आएगा, जो हम लोग को नहीं चाहिए। ओके, तो हम लोग फैट पूरा इस पर चलाते रहेंगे। वैसे भी ये पॉपकॉर्न गया है, अभी हम लोग को इसमें हल्का हल्का हमारे सॉसेज डाल रहे हैं। मैंने फ्लेम स्लो करके रखा हुआ है, इसमें डार्क सोया सॉस, ग्रीन चिली, रेड चिली सॉस। इसका जो ये रहेगा क्वांटिटी रहेगा वो एक टी स्पून आपको डालना है। और हमारा फेवरेट सेजवान सॉस, ये सेजवान सॉस कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है, जो आप लोगों को पसंद रहेगा वो आप लोग यूज कर सकते हो। अभी फ्लेम फिर से हाई, देख रहे होगे आप लोग, फ्लेम स्लो कर लेंगे, हल्का सा पानी का छींटा मारेंगे, हल्का सा पानी का छींटा। इसमें जाएगा थोड़ा सा ब्लैक पेपर, क्योंकि मैंने पहले से ही करके रखा है, सॉटे करके रखा हुआ है। थोड़ा सा अजीनोमोटो जाएगा, हाफ टी स्पून पकड़ लीजिए, हम लोगों को डालना है। एंड देन उसके बाद हम लोग को ऐड करना है हमारे कॉर्न्स। ये आप लोग देखिएगा, पहले यहाँ का फ्लेम भी देख लो, यहाँ पे कुछ जला वाला नहीं है और आप लोगों को भी जलाना नहीं है, नहीं फिर बताना मत, आप लोग जलाओगे टेस्ट नहीं आएगा, फिर बोलेंगे कि बात। तो जैसे कि मैं कॉर्न्स ऐड कर रहा हूँ, ये मैंने कॉर्न्स ऐड कर लिए हैं, तो इसको हम लोग सिंपली मिक्स करेंगे और आपको हम फाइनल टेक्सचर बताएंगे कैसा आता है। इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड करना है, सिर्फ सिंपली इसको अच्छे से हम लोग को मिक्स करना है। ये ऐसा कलर चेंज होगा ना इसका, तो आप लोग भी बोलोगे कि हाँ ये आपने क्या ऐड किया, जो इसका कलर इतना चेंज होगा, तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, ठीक है। तो हम लोग इसके फाइनल टेक्स्चर और इसका लुकिंग कैसा है वो दिखाएंगे। नाम डालना भूलना मत, ओके, टेक केयर। ऐसे ही खाना बनाते रहो और खाओ बनाओ फैमिली पे ऐड होते रहो। ये फैमिली को बहुत बड़ा बनाना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत। अगर आप गाइस ये पूरा रेडी है, इसकी हम लोग प्लेटिंग करेंगे, आप लोग देख रहे होंगे एकदम ये फर्स्ट क्लास रेडी है। तो हम प्लेटिंग करेंगे, बंद करेंगे हम लोग प्लेटिंग, टेस्टी बहुत है और आप लोग भी बनाइए और आप लोग भी खाइए। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।